गुलबर्गा शहर के नॉर्थ के सोनिया गांधी कॉलोनी में नए सीसी रोड कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह मोहतरमा कनीस फातिमा एमएलए नॉर्थ व चेयरमैन के एसआईसी और जनाब फराज अल इस्लाम के हाथों अमल में आया। सोनिया गांधी कॉलोनी में पिछले कई साल से रोड की प्रॉब्लम्स थे। यहाँ के लोगों ने यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब हैदर अली और यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स से मुलाकात की और गुजारिश किया कि हमारे एरिया में रोड बनाने लगाइए कहा था। जनाब हैदर अली इनामदार ने सोनिया गांधी कॉलोनी के आवाम को ये तयकुन दिलाया था कि इस इलेक्शन में एमएलए मैडम को जिता के लेके आए तो मैं जरूर बनाने लगाऊंगा कहा था। हैदर अली इनामदार और यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स ने इस इलेक्शन में मोहतरमा कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम से कहा कि सोनिया गांधी कॉलोनी में रोड की प्रॉब्लम्स है, मैडम उसको हल किया जाए। मोहतरमा कनीस फातिमा एमएलए नॉर्थ मैडम ने हैदर अली इनामदार को कहा था कि बजट आने से सबसे पहले सोनिया गांधी कॉलोनी के रोड बनाया जाएगा कहा था। मैडम ने हैदर अली इनामदार और यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स को बजट आने के बाद मैडम ने 2 करोड़ रुपए के लगत से नए सीसी रोड कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह किया है। हैदर अली इनामदार ने सोनिया गांधी कॉलोनी के अवाम से कहा कि मैंने आप लोगों को जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। सोनिया गांधी कॉलोनी के अवाम ने मोहतरमा कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम और हैदर अली इनामदार का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। हैदर अली इनामदार ने भी मोहतरमा कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के वोटों की वजह से आप लोगों ने मैडम को जिताया, एमएलए बनाया फिर से अल्हम्दुलिल्लाह, उस बात की मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने इलेक्शन में वादा किया था आप लोगों से, इंशाल्लाह मैडम जब से फिर से एमएलए बन के आएंगे तो मैं यहाँ पर जल्द से जल्द काम सैंक्शन करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हम लोग काम की इफ्तिताह के लिए आए हैं। तमाम तमाम सोनिया गांधी को और तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 करोड़ का काम लाया और इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से, इंशाल्लाह 1 साल में और 1-2 करोड़ का काम फिर से लाऊंगा मैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2 करोड़ का काम यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। हैदर भाई ने भी मुझे डिस्कशन की, हमारे पटेल साहब ने मुझे डिस्कशन की, तमाम लोगों से डिस्कशन हुई, तो मैं यही कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह 2 करोड़ का काम अब शुरू होगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं फिर से 2 करोड़ रुपए आप लोगों के बीच लाऊंगा। और जितने भी अतराफ में यहाँ पर एरिया से इंशाल्लाह उसका भी काम होगा। आप लोगों ने हमें भरोसा कर मैडम को जिताया है। हबुल इस्लाम साहब जैसे आप लोगों को लेके चले, इंशाल्लाह हमारी वही कोशिश है। हबुल इस्लाम साहब का यही था कि मेरी आवाम, मेरी गुलबर्गा की आवाम हर वक्त खुश रहे, डेवलपमेंट फोकस है। और इंशाल्लाह यही आप लोग से वादा करता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम लाएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़ के रहिए, आगे भी आप लोगों का साथ देंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अहलिया ने सोनिया गांधी कॉलोनी की तरफ से सबसे पहले हैदर साहब को, बटन साहब को और कुछ हमारे दिल्ली के नौजवान बच्चों की मेहनत को सलाम। इलेक्शन से पहले हम वादा करे थे कि ये काम को हम जल्द से जल्द कराएंगे बोल के, इलेक्शन मैडम भी हमारे से वादा करे थे आप हमारे को जिताइए, हम आपके कॉलोनी का काम करेंगे बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम जीत कर भी आए और शर्म की बात है हमको, एक मैडम को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना था लेकिन कम वोटों से जीते हमारी परवाह नहीं। अब आने वाले दिनों में हमारे हैदर अली इनामदार साहब जो वादा करे थे मैडम से, और मैडम भी उनके वादे पे खड़े उतरे। 19 अक्टूबर को उन्होंने शाम में इसका इफ्तार किया और 20 तारीख के दिन सुबह 9:30 बजे सोनिया गांधी कॉलोनी में जेसीबी और उनकी टीम उनके वर्कर्स को भेज के आज काम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल 19 तारीख को शाम में 6 बजे मोहतरमा कनीस फातिमा साहब और फराजुल इस्लाम साहब सोनिया गांधी कॉलोनी में रोड की ओपनिंग करे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जेसीबी है, काम स्टार्ट हो चुका है। सोनिया गांधी कॉलोनी में खुशी का माहौल है, काफ़ी सालों के बाद हम डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह यहाँ की अवाम और हम यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम फराजुल इस्लाम साहब और मोहतरमा कनीस फातिमा साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तमाम सोनिया गांधी की अवाम से तरफ से सलाम मुबारकबाद देता हूँ। कल जो है ना फराज इस्लाम कनीस फातिमा मैडम 19 तारीख को बाद मगरिब पे आके जो है ना रोडों का इफ्तिताह किए, लिहाजा जो है ना आज सुबह 20 तारीख को 9:30 बजे जो है ना जेसीपी लगा के ठहर के जो ना रोडों का काम को स्टार्ट को जो ना अर्जेंट से अर्जेंट कराने के उन्होंने जो ना फराज इस्लाम साहब और जो ना कनीस फातिमा मैडम साहब, हमारे हैदर अली इनामदार साहब, सुभान पटेल साहब, इन्होंने जो ना जिस जो करे
इस कॉलोनी के लिए जो है ना बहुत मेहनत करके जो है ना रोडों का काम के लिए जो है ना इतना अर्जेंट से अर्जेंट ये लोग जो है ना फिर के जो है ना उन काम का अंजाम दिए लिया था। मैं सब कॉलोनी के तरफ से मैं इनको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मैडम जो भी यहाँ पर काम करे सब कामयाब हो रहा है। आपके सबके साथ दीजिए मैडम कनिष्क फातिमा। हम पानी की वजह से इतनी तकलीफ करे कोई भी काम नहीं करे थे आज तक हमारी सोनिया कॉलोनी का पानी का। आठन में खड़ा हम कईयों सालों से पानी ला के पिए गली महिले वाले और हमारे हैदर भाई ने जाके बोले कमेटी वाले हैदर भाई से हमें हमारे को ऐसी तकलीफ है पानी की कोई भी नहीं करे हैदर भाई हमारा तो हम लोग सौगने मिल के जाके बोले एक दो बात सुनाने को जैसे हैदर भाई हमारे घर ने लेकर आके फौरन इसके बाद का लेके फिर बोरिंग डाले हमारे दो तीन दिन में छुपक बोरिंग आ गई। आज पानी हम उनका पी रहे बहुत शुक्रिया करते हैं हमें इसी तरह से मैडम का फयाज इस्लाम का हम बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिन से हम चिक्कड़ पानी में चल रहे थे बहुत बहुत मुसीबत उठाए। आप कनिष्क फातिमा हमारी बात सुने हमारे को बोरिंग खुदाए हमारे पानी की सहूलत रोड की सहूलत नालन की सहूलत कनिष्क फातिमा कर रही हम कनिष्क फातिमा कर रहे शुक्रिया अदा करते हैदर अली का। हैदर अली का हमारे बहुत साथ दिए पानी के बारे में। लोग बोलते हैं ऐसा तुमनों क्या करते हैं उन्हों क्या करते हैं बोलते हैं मगर घर को बताए उन्हों। अब फिर रोड का काम चालू हुआ आपका जिसी पे ये रोड बने जा रही है। कनिष्क फातिमा मैडम और फराजुल इस्लाम जब से और हमारे कमेटी वेलफेयर यूनिटरी सोसाइटी हैदर अली सुभान पटेल साहब जितने भी हमारे कमेटी के सोशल वर्कर है उनके जानिब से उन्होंने जब आए हमारे यहाँ हालात पूछने से मैडम कनिष्क फातिमा और फराजुल इस्लाम कदम रखे हुए हैं तो बोले थे वायदे करे थे तो इंशाल्लाह पानी भी पिला रहे 1.5 साल से और रोड़ा का इख्तियार भी करे। आज जेसीपी आई हुई है।